हेलो एवरीवन, वेलकम टू RSDG पाठशाला। आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 6, टाइम। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि एक दिन, पूरा एक दिन जो होता है उसको अलग अलग चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उस अलग अलग पार्ट्स में आप दिन के कौन कौन से काम करते हैं ये बताया गया है। जैसे एक दिन को हम चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात, ठीक है। उसी तरह इसमें बताया गया है कि एक दिन में आप कौन कौन से समय पर कौन कौन से काम करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ये संपदास डेज, संपदास डेज इस पूरे चैप्टर में संपदा के दिन के बारे में बताया गया है कि संपदा दिन के किस किस समय पे क्या क्या काम करती है। हम जानते हैं कि हम दिन को चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं, चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मॉर्निंग, डे, इवनिंग एंड नाइट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि संपदा दिन के किस किस समय पे क्या क्या काम करती है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संपदा क्या करती है, गेट अप फॉर स्कूल, वो सुबह सो के उठती है। सेकेंड क्या करती है, ईट ब्रेकफास्ट, नाश्ता करती है। ये दोनों काम वो मॉर्निंग के समय, सुबह में सो के उठती है, तभी वो पहले स्कूल के लिए उठती है, फिर ब्रेकफास्ट करती है, फिर वो स्कूल जाती है। एंड थर्ड वो क्या काम करती है, रीड अ स्टोरी इन अ स्कूल, स्कूल में एक स्टोरी पढ़ती है। ये डे टाइम का उसका काम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईट लंच, उसके बाद वो अपना लंच करती है, खाना खाती है। नेक्स्ट है प्ले, फिर वो खेलती है, और इस टाइम कौन सा समय है, इवनिंग का, ये इवनिंग के टाइम पे खेलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टडी, सिक्स्थ, वो वापस घर, स्कूल से जब घर आती है तो पढ़ाई करती है, तो ये भी इवनिंग के समय का काम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गो टू बेड, फिर वो रात के समय सो जाती है, यानी कि जब वो सोने जाती है तो कौन सा समय होता है, नाइट। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी दिन को, किसी भी डे को हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मॉर्निंग, डे, इवनिंग एंड नाइट, ठीक है।